बॉम्बे मल्लू में आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हमने हमारा बुलेट का सीट चेंज कर दिया है। हाँ दोस्तों, ये रहा पुराना सीट, फ्लैट सीट या स्प्रिंग सीट। इसे हम चेंज करके एक बकेट सीट लगाया है, या टूरिंग सीट बोला जाता है। मेरे लिए तो एक कंफर्ट सीट है। हाँ दोस्तों, हमने सीट चेंज कर दिया है क्योंकि हमें चाहिए था कंफर्ट और हमारा बैक का एक सेफ्टी के लिए। दोस्तों, इस सीट हमने थाने में जो गणेश कुशन वर्क है, जो बुलेट जो चलाता है बॉम्बे में, वो सभी जानता रहेगा कि थाने में जो गणेश सीट वाला है या गणेश कुशन वर्क वाला है, वो स्पेशलिस्ट इन बुलेट सीट है। तो हमने वहाँ चेंज किया है। मुझे वीडियो निकालने नहीं हुआ क्योंकि मैं जिस दिन पहुँचा लगभग 8 बज गया था, तो शॉप का क्लोज आउट टाइम था। तो मैंने एडवांस दे दिया और मैंने उन्हें कहा था कि मैं सुबह आके वीडियो निकालूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सुबह भी पहुँचने नहीं हुआ। और जब मैं पहुँच गया था, उन्होंने सीट बना के रखा था और ये सीट 100% हैंडमेड है, बट मुझे उसका वीडियो निकालने नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा एक स्पेशल रिकमेंडेशन है, आप वहाँ पे जाके अपना बुलेट का सीट एक बार अच्छा एक कंफर्ट सीट बना सकते हो, क्योंकि गाड़ी कितना भी बड़ा हो, सीट में हम बैठते हैं, हमारा पूरा बॉडी का वेट सीट पे आता है। तो एक कंफर्ट सीट ज़रूरी है हर एक राइड के लिए। और दोस्तों, ये पुराना सीट है जिसमें स्प्रिंग है और फ्लैट है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बकेट टाइप है। मैंने उनसे पूछा कि स्प्रिंग सीट और इस सीट में क्या फ़र्क है, मतलब मैं ऐसे दिखता है कि स्प्रिंग उल्टा ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो वहाँ पे जो सीट फिक्स किया, उन्होंने कहा कि जो स्प्रिंग सीट होता है वो ओवर जो एक व्यक्ति का वेट होता है 100 के ऊपर, तो उनके लिए स्प्रिंग सीट बहुत सूटेबल है। वो वेट के हिसाब से वो दबता है, बट मेरे जो 75 जो वेट है उनके लिए ये सीट नहीं है। और छोटा मोटा राइड के लिए तो चलेगा, बट लंबा राइड के लिए एक बकेट सीट ज़रूरी था, और इसीलिए मैंने अपने गाड़ी में एक बकेट सीट लगा दिया है। तो दोस्तों, आप भी अपने गाड़ियों में एक बेहतरीन सीट कीजिए, क्योंकि हम गाड़ी में मॉडिफिकेशन बहुत कुछ करते हैं बट सीट हम भूल जाता है। और सीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारा बैक के लिए, क्योंकि बैक नहीं तो बाइक नहीं। तो आप एक बार इस बारे में गौर कीजिए। दोस्तों, आप एक सिनेमैटिक लुक का मजा उठा के आइए, फिर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। बहुत ही कंफर्ट है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिए अपनी गाड़ियों में। तो वक्त हो चुका है पुराना सीट को बाय कहने का और नया सीट लग चुका है, और अभी हमारा फ्यूचर जो राइड रहेगा इसके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बैठकर दिखाऊंगा। बहुत ही कंफर्टेबल है, कुशन वगैरह बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे, और आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि गाड़ी कितना भी बड़ा हो, सीट एक इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ है हर गाड़ियों में। हर एक एक्सपर्ट से बात कीजिए, सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और बैक का एक्सरसाइज भी आप कीजिए, जो लॉन्ग रूट वगैरह आप करते हो तो बैक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बैक नहीं तो बाइक नहीं, तो इसीलिए आप सीट पर फोकस कीजिए। दोस्तों, इस सीट का कॉस्ट लगभग हो चुका है 2500 रुपया। इसका कॉस्ट है अराउंड 2500।
तो पीछे का सीट भी आपको लेना है तो अराउंड 3,500 रुपया हो जाता है आगे और पीछे का। तो मुझे सिर्फ एक ही जरूरत था तो मैंने एक ही सीट लगाया, तो 2,500 रुपया हो चुका है इस कंफर्ट। और एक बर्थी सीट या पॉकेट सीट या एक क्या बोलो एक राइडिंग सीट के लिए लगभग हो चुका है। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा। तो राइड सेफ। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, बाय।